राज्य सरकार के कर्मचारियों का पुराना पेंशन संघर्ष यात्रा शुक्रवार को गढ़चिरौली पहुंचा। यात्रा राज्य के 30 जिलों में पहुंचेगी और सेवाग्राम में समाप्त होगी। नई एनपीएस अन्यपूर्ण पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू है जो 2005 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुई थी। चूंकि यह पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए घातक है, कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान 22 नवम्बर को यूनियन ने मुंबई के पास कल्याण से विधायिका पर मार्च निकालने की भी योजना बना रही है। यवतमाल से बाकी का सफर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा का होगा। जिले में सामूहिक अवकाश लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी और वृद्धावस्था पेंशन की तीन प्रमुख मांगों को लेकर कर्मचारी मैदान में उतरे हैं। मी वितेश खांडेकर, जुनी पेंशन संघर्ष समन्वय समिति राज्याचा समन्वयक आहे। आज आजाद मैदान मुंबई वरून ही यात्रा निघून गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यामध्ये ही यात्रा आलेली आहे आणि आमच्या सर्वांची एकच मागणी आहे, आमच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी। आज महाराष्ट्रातल्या 100 पेक्षा अधिक संघटना याच्यामध्ये सहभागी आहेत आणि आता महाराष्ट्रातला कर्मचारी खऱ्या अर्थानं पेटलाय। आपल्या हक्काच्या जुन्या पेन्शनसाठी, आपल्या म्हातारपणाच्या आधारासाठी आम्ही तुमच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो की आता कर्मचाऱ्यांचं अंत न पाहता सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अन्यथा जे अधिवेशन होणार आहेत मुंबईला त्या अधिवेशनावर पायी मार्च काढण्याचं नियोजन आहे। कल्याणपासून मुंबईच्या मंत्रालयावर पायी सगळे कर्मचारी धडकणार आहेत। त्याचबरोबर तेव्हाही सरकार जर ऐकत नसेल तर मुंबईमध्ये ठिय्या देऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातले कर्मचारी काम बंद करणार आहेत। BCN न्यूज के लिए गढ़चिरौली से संवाददाता की रिपोर्ट।